हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई इंग्लिश स्टडी तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन की एक्सरसाइज यानी इस एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू टू इंटेरोगेटिव सारे के सारे असर्टिव सेंटेंसेस को हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इंटरचेंज करना है तो ये हमारी एक्सरसाइज है थ्री है दोस्तों तो स्टार्ट करते हैं विदाउट गेटिंग लेट तो कम्प्लीट एक्सरसाइज ये है दोस्तों जिसमें फिफ्टीन क्वेश्चन हैं टेन क्वेश्चन को हम लेके चलेंगे और इसी के नीचे जो व्हाइट पट्टी टाइप की जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे मैं हर क्वेश्चन का आंसर आपको बताने वाला हूँ जैसे पहला क्वेश्चन है नेहरू वॉज ऑनर्ड एवरीवेयर नेहरू जी का हर जगह सम्मान किया आ, किया गया था तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हेल्पिंग वर्ब को हम बाहर निकाल के पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव इंटेरोगेटिव में हमें चेंज करना है वॉज नेहरू नॉट ऑनर्ड एवरीवेयर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों नन कैन अवॉइड इट तो इसको दो तरीके से बनाते हैं हु से भी और एनी वन से भी तो सबसे पहले एनी वन वाला केस देख लेते हैं कैन एनी वन अवॉयड इट कैन को हम बाहर लिख देंगे और नन है नेगेटिव वर्ड है उसको हम पॉजिटिव वर्ड लिख देंगे एनी वन ओके नेक्स्ट इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है हु कैन अवॉइड इट ओके नन की जगह पर सिर्फ और सिर्फ क्या लिख देना है दोस्तों केवल हु लिख देना बाकी एज इट उतार देना है. अब क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है द सन कैन नेवर सेट इन द ईस्ट सन कभी ईस्ट में नहीं अस्त होता हो सकता ओके okay? तो आंसर क्या हो जाएगा कैन को हम सब्जेक्ट के पहले लिख देंगे कैन द सन एवर नेवर को ये भी याद रखिएगा एवर में चेंज करना नेवर को ओके कैन द सन एवर सेट इन द ईस्ट तो ये हमारा इसका आंसर हो जाता है अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर एवरीबडी नोज हिम तो एवरीबडी का जब भी केस आए मोस्टली कोशिश कीजिए हु से उसको बनाने की जैसे हु डज नॉट नो हिम तो एवरीबडी की जगह पर हम हु लिख देंगे और नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना है सिंपल प्रेजेंट की कंडीशन है तो डज नॉट लगाएंगे हु डज नॉट नो हिम ओके मोस्टली हु से ही बनाना चाहिए अगला सेंटेंस है एवरीबडी लाइक टू अ नेम एंड फेम यानी हर कोई नेम और फेम पाना चाहता है ओके okay? तो आंसर क्या हो जाएगा हु डज नॉट एवरीबडी का केस है तो नेगेटिव बनेगा हु डज नॉट लाइक टू नेम एंड फेम ओके ये इसका आंसर हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्थ इज राउंड पृथ्वी गोल है तो आंसर क्या हो जाएगा इज द अर्थ नॉट राउंड क्या पृथ्वी गोल नहीं है ओके okay? तो ये, इसका ये हमारा आंसर हो जाता है दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है नो वन इज माइडर माइटर देन गॉड यानी कोई भगवान से ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा हु इज माइटर देन गॉड ओके अब यानी नन की जगह पे हम हु लगा देंगे और पूरा सेंटेंस एज इट अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट नो वाइज मैन विल बिहेव सो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इस तरीके से बिहेव नहीं करेगा तो आंसर क्या हो जाएगा नो no की जगह पे एनी लग जाएगा विल एनी वाइज मैन वी हैव सो ओके तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बिल को हम पहले लिख देंगे और एनी वाइज ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग लाइफ डज नॉट मेक अ मैन ग्रेट लॉन्ग लाइफ डज नॉट मेक अ मैन ग्रेट नेक्स्ट आंसर क्या हो जाएगा डज लॉन्ग लाइफ मेक अ मैन ग्रेट ओके तो ये हमारा आंसर हो जाता है सिंपल प्रेजेंट का केस है डज को बाहर ले लेंगे नॉट हटा देंगे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेन नो बडी एल्स कुड हैव डन इट कोई और इसे नहीं कर सकता था तो आंसर क्या हो जाएगा पूरा नहीं कर सकता था ओके okay. तो आंसर क्या हो जाएगा हु एल्स could have done it. Next question है, no uh, nobody would like to be called a fool. Okay तो answer क्या हो जाएगा? Nobody की जगह पे हम who लगा देंगे. Who would like to be called a fool? Okay कौन पसंद करेगा uh, fool बनना? Next question है question number twelve. Nobody would like to be a slave. यानी कि कोई पसंद नहीं करेगा दास बनना. तो answer क्या हो जाएगा? Who would like to be a slave? यानी कौन पसंद करेगा दास बनना ऑब्वियसली कोई नहीं पसंद करेगा तो एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टीन एवरीबडी लव हिज मदरलैंड हर कोई अपनी मातृभूमि से प्यार करता है तो आंसर क्या हो जाएगा हु डज़ नॉट लव हिज मदरलैंड यानी कि अपनी मातृभूमि से कौन प्यार नहीं करता ऑब्वियसली हर कोई प्यार करता है ओके okay? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है नो वन कैन पुट अप विद सच अ कंडक्ट तो आंसर क्या हो जाएगा नो no वन की जगह केवल हु लगा देना है हु कैन पुट पुट अप विथ सच अ कंडक्ट तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ओके okay? यानी कि नो वन नेगेटिव वर्ड जब भी आए तो वहाँ पे हमें हु लगा देना है और पूरा सेंटेंस एज इट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन इट इज़ नॉट गुड टू हेल्प अ मेन मैन ओके तो आंसर क्या हो जाएगा इज को पहले लिख देंगे इज़ इट एनी गुड यानी नो की जगह पे क्या लगाएंगे एनी इज़ इट एनी गुड टू हेल्प अ मीन मैन ये इसका आंसर हो जाता है अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन क्या है एवरीबडी लाइक टू बी प्रॉस्परस हर कोई फेमस होना चाहता है यानी प्रॉस्परस होना चाहता है ओके okay? तो आंसर क्या हो जाएगा एवरीबडी की जगह पे हु लिख देंगे हु डज नॉट लाइक टू बी अ प्रोस्परस तो ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाता है कौन फेमस होना नहीं चाहता तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो इफ़ यू रियली लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर एंड कमेंट मी हाउ डिड यू लाइक माय वीडियो ओके बाय टेक केयर